मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के श्रीलंका जुबली पार्क में महिलाओं के साथ कुछ नशा करने वाले लोगों ने मारपीट की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशा यहां करने पर मना किया गया, जिसके बाद नशा करने वालों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। हालांकि इनमें से कुछ नशा करने वालों को भी चोट लगी है, जिनका इलाज कलवा शिवाजी अस्पताल में चल रहा था। इस पूरे मामले में मुंब्रा पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। महिलाओं का कहना है कि नशा करने वाले लोग महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे थे, मगर महिलाओं के साथ मारपीट होते देख इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और इन नशा करने वाले नशेड़ियों की जमकर पिटाई कर दी गई। इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता रहमान शेख ने क्या बातचीत की है महिलाओं से। आपका नाम क्या है और आपको क्या कली वजह से क्या लेके क्या बात पे क्या झगड़ा हुआ आपका? जी, मेरा नाम अतीक खान है। ये है ना, यहाँ पे आके दारू पी के नाटक कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे ये कम्मू आपा को। जब मैं उनको खाली बोला भाई था गाली गलौज मत करो, बच्चे अच्छे पढ़ते ट्यूशन के इधर जाके अब तुम गाली गलौज करोगे, बच्चों को लड़ाई झगड़ा करो लग जाएगा, उनको इतना बोला तो वो गाली गलौज करने लगे। एकदम नशे में थे, पाँचों के पाँचों दारू पिए थे कि और भी कुछ नशा किए थे। लेकिन उनको मैं समझा के यहाँ से कि गया थोड़ा तो इतने में वापस से वो लोग लड़ाई करने लग गए इनके साथ में। उनमें उतने में फ़ोन कर रहा था मैं भाई को, तो उतने में इनके ऊपर क्या किए, पत्थर उठा लिए मारने के लिए। तो इनको बचाने के टाइम पे वो आंटी थे हमारे, इनकी अम्मी, जबीन की अम्मी, तो वो उनको हटा के उनको पकड़े ना, जब तो डायरेक्ट स्किन जबीन की नाक पे वो लोग ने डंडा मार दी। अब जब डंडा मारे मैं आके छुड़ाया तो मेरे को भी वो लोग ने मारे, मैं वो बेहोश होकर चक्कर आके गिर गया था जुबली पार्क में। यहाँ से जाके जाते तो उन लोगों को ये बस इतना बोला भाई यहाँ क्यों लड़ रहे, तो वो लोग ने पत्थर लाए, बहुत से चीज़ लाए मारने के लिए सबको, लेडीज़ लोग के ऊपर पत्थर फेंक फेंक के मार रहे थे, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हो सब उड़ा उड़ा के उन लोग को मार रहे थे। उससे जब उन लोग को सब किए तो जब वहाँ पे देखे सब हम लोग को मार रहे थे, उनको पब्लिक जुबली पार्क की पब्लिक, श्रीलंका की पब्लिक सब आके बोले लेडीज़ को मार रहे, एक आदमी दो आदमी को मार रहे, तो उनको सब पकड़ के पब्लिक लोग ने बहुत मारी। जब बहुत मारी तो यहाँ से वो गए भाग के और वहाँ चौकी में जाके हमारे से पहले पहुँच गए और कंप्लेन डाले। आपने जो ये झगड़े को लेकर आपने इसकी शिकायत मुंब्रा पुलिस चौकी में अपने किए थे? करी हूँ, मैं रोज जाती तो कुछ नहीं उसके ऊपर कार्रवाई। वो सर बोलते मैंने उन लोग को अंदर करा था, एक्शन लिया, छोड़ दिया, लेकिन उन लोग रोज मेरे दरवाजे पे आते, रोज तमाशा करते मेरी लड़की और लड़के को, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर हाथ उठाए वही नशा करके पाँच छः जन, लेकिन फिर भी घूमते। उन लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, अभी कल दूसरे लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए, ये दूसरी दफ़ा मारे, रोज़ घूम रहे हैं उन लोग यही एरिया में। तो मतलब इनका डेली का है ये इधर पे नशा करके मारते लोग? उसकी साली इधर रहती है, वो अपने एरिया से कंपाउंड से लड़के लेके आता है, साली के घर में बिठाता है, दारू वीरू पिलाता है और सबके ऊपर दादागिरी करता है। नदीम नाम है उसका। कितने लोग थे जो टोटल? इन लोग पाँच जन थे, नदीम था और ये टोटल, ये जो झगड़ा हुआ कल, झगड़े में कितने लोग थे? पाँच थे, पाँच आदमी थे। लाने वाला मेन नदीम था, नदीम के ही सब दोस्त लोग थे वहाँ पे, उसकी साली का लास्ट में झोपड़ा है वहाँ पे, नशा विशा कराया, दारू वारू पिलाया, यहाँ से जा रहे थे, हम लोग यहाँ पे बैठे थे, सिर्फ वो उसने बोला, गाली बकते हुए जा रहे थे, अतीक ने बोला कि देखो गाली मत बको, इधर बच्चे रहते और यहाँ पे नशा मत करो, बस इतना बोलने की देरी के धबा धब मारना शुरू। आपका नाम क्या है और वो कौन लोग है जो आपको कल ये झगड़े में लेके मारे, क्या था वो झगड़े का मतलब क्या? यहाँ पर आके दारू पी के गाली गलौज करे, हम लोग समझाने गए तो उन लोग ना पत्थर से डायरेक्ट बड़े बड़े पत्थरों से मारे और ना डंडा उंडे से मारे, मेरी नाक के ऊपर मारे बहुत जोर से और एक पैर पे पीछे से मारा। वो लोग पांच छोकरे थे, पांच में से एक का नाम सैफ था और बाकी चार का नाम मेरे को नहीं मालूम है, नदीम। हाँ नदीम। क्या बात को लेकर आपको मारे, मतलब आपका भी कुछ इसमें वो था क्या? नहीं कुछ भी नहीं था, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले कि तुम लोग यहाँ के दारू पी के गाली गलौज मत करो, बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ रहे लिख रहे, तो बोले हम लोग यहाँ के शाने हैं, हम लोग ये है वो है, हम लोग करेंगे, ये पहाड़ हमारा है, ऐसा करके यहाँ पे दादागिरी करने लगे। कितने लोग के साथ में? तीन लेडीज थे यहाँ पे, उसमें से एक अभी जेल में है, यहाँ चौकी में है, और दो हम लोग यहाँ पर है, उनका नाम है ज़हरुन्निसा। मुंब्रा शहर में कोई ये पहला मामला नहीं है जो नशेड़ियों ने महिलाओं के साथ मारपीट की हो, इस तरह की अब तक की कई मामले सामने आ चुके हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले में अब आगे छानबीन कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।